हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाला था, बट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो है अप्रूवल को लेके। अभी भी लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि अप्रूवल के बिना ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अब रिक्वायर्ड नहीं है, आप वैक्सीनेटेड भी आ सकते हैं या अपने होम कंट्री में वैक्सीनेटेड हैं वैसे भी आ सकते हैं। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की अब कोई ज़रूरत नहीं है, बट ICA अप्रूवल या GDRF अप्रूवल मस्ट है। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो कई लोगों का सवाल है, अभी तक नहीं आया है, अभी तक GDRF अप्रूवल नहीं आया है, अभी तक ICA अप्रूवल नहीं आया है। तो देखिए, अप्रूवल आने में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग अप्रूवल ले रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए, इसमें यही टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी कि जो फॉर्म आप भर रहे हैं ICA का या GDRF का, उसको बहुत ध्यान से आपको भरना है। आपके पासपोर्ट में जो डिटेल्स है एज़ इट इज़, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मोबाइल में बहुत टाइम ऑटो करेक्शन ऑन रहता है, उसके कारण क्या होता है, कुछ और स्पेलिंग को कुछ और स्पेलिंग वो लोग ले लेते हैं ऑटो करेक्शन में। ऑटो करेक्शन ऑफ करके आप फॉर्म फिलअप कीजिए, पासपोर्ट के डिटेल्स ही आप फॉर्म में भरिए, स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जो पेपर्स आप लोग अपलोड कर रहे हैं वो रीडेबल होना चाहिए, सही फॉर्मेट में होना चाहिए। उसमें देखिएगा नीचे में दिया हुआ है JPG, JPEG, PDF, ऐसे करके फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, उसी फॉर्मेट में आप लोग डाउनलोड करके फिर अपलोड कीजिए, क्योंकि अगर आपका फॉर्मेट चेंज है तो उसके कारण भी प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोग प्रॉपर वे में ऐसे भरिए, देखिएगा कुछ ही दिन में, पहले एक दो घंटे में ही आ जाता था, अभी भी बहुत लोगों का एक दो घंटे में ही अप्रूवल आ जा रहा है, बट कुछ लोगों का रिजेक्ट भी हो रहा है, कुछ लोगों का QR कोड नहीं आ रहा है। ईमेल ID जो आप दे रहे हैं वो वैलिड ईमेल ID दीजिए। आपका जो स्पैम बॉक्स है, इनबॉक्स है, सोशल जितने भी पार्ट्स होते हैं सब आप चेक कीजिए कि किस में आपका QR कोड आ जाए। तो सब आपको एक एक करके चेक करना होगा कि कौन से में आपका QR कोड आया है। बहुत लोग बोल रहे QR कोड रिसीव नहीं हुआ है, बहुत लोग बोल रहे मेल में कुछ नहीं आया है, लगता है अप्रूव नहीं हुआ है। देखिए, अप्रूव अगर नहीं भी होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, तो भी आपको मेल आएगा। मेल आने तक आप वेट कीजिए, अगर वो लोग बोल रहे हैं रीअप्लाई करने के लिए, आप रीअप्लाई कर सकते हैं, बट ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर जो भी दे रहे हैं वो एकदम वैलिड दीजिए, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसेस है, हर चीज़ ऑनलाइन चेक होती है। अगर ऑनलाइन में वो लोग रीडेबल नहीं होगा, दो चीज़ें मैच नहीं होगी, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके नाम का स्पेलिंग, दोनों चीज़ें अगर मैच नहीं होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से फॉर्म भरिए, एक एक चीज़ करेक्ट भरिए, जो अपलोड कर रहे हैं उसको ठीक से भरिए, और अपना मेल बॉक्स प्रॉपरली चेक कीजिए कि आपको किस बॉक्स में आपका मेल आ जाए। इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है इस जगह पर, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। और कुछ प्रिकॉशनरी मेज़र के लिए भी वो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं अभी, तो आप वेट कीजिए, आप रीअप्लाई कर सकते हैं इजीली। और ये जो वैलिडिटी होती है इसकी, ये 28 दिन वैलिड रहती है, इसलिए पहले आप अप्रूवल ले, उसके बाद टिकट बुक कराएं। पहले टिकट बुक करा के अगर आप अप्रूवल लेंगे तो बहुत टेंशन वाली बात हो जाएगी कि इस दिन मेरा फ़्लाइट का टिकट है, अप्रूवल नहीं आया। इसलिए आप अप्रूवल लीजिए, अप्रूवल आपका आ जाता है, वैलिड रहता है ये अप्रूवल, उसके बाद ही आप टिकट बुक कीजिए। और हाँ, 5 अगस्त से पहले का अप्रूवल नहीं चलेगा, 5 अगस्त के बाद का ही अप्रूवल आपको इसमें देना होगा। तो ये तो था छोटा सा अपडेट मेरी तरफ से, आई होप आप सबको हेल्प हुआ होगा। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी आपको। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।